उत्तर प्रदेश के बहराइच में सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि सुबह के समय जब मौसम खराब हुआ उसी समय एक टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक में भिड़ंत हो गई। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि यह हादसा ओवरटेकिंग के चक्कर में हुआ है, लेकिन ट्रैवलर के सभी लोग घायल हैं इसलिए अभी तक घटना की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। यह हादसा मोतीपुर इलाके के नैनिहा मंडी के पास हुआ। हादसे में घायल और मृतक सभी कर्नाटक राज्य के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और वो अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मौके पर पहुंच गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 5 लोगों की घटनास्थल पर मौत हुई थी और 2 की अस्पताल में मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए। लगभग आधी ट्रैवलर अंदर की तरफ धस गई है, जिसके कारण मृतकों के शवों को भी निकालने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। मृतकों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया है। घटनास्थल का निरीक्षण करने और घायलों की कुशलक्षेम पूछने के लिए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव प्रसाद चौधरी घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं। बराय से शहनवाज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? नाम रंजीत कुमार शाह के है, यहीं नैनिया मंडी निवासी। जी अभी एक एक्सीडेंट हुआ, क्या रहा मामला? जी उसमें ट्रैवलर और ट्रक में भिड़ंत तो हो गई। सुबह का टाइम था, बिल्कुल सुबह का टाइम था, उसमें ओवरटेकिंग के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 5 लोग मौके पे ख़त्म हो गए और बाकी लोग घायल हुए। उसमें पता चला है कि 2 लोग CST पे जाते जाते ख़त्म हो गए, जिसमें 2 महिलाएं और बाकी पुरुष थे। कहाँ के रहने वाले थे कुछ? ये गाड़ी कर्नाटका की थी और रहने वाला तो पता नहीं चला है कि कहाँ के लोग हैं, चूँकि सर्च नहीं हो पाया है अभी। जी, और मौके पर कौन लोग रहे हैं? मौके पे एडिशनल SP, CTCO, SO साहब, बाकी चौकी इंचार्ज और भी तमाम फोर्सें थी। गांव के सहयोग से गाड़ी को निकाला गया, इसके बाद डेड बॉडी को भी बाहर किया गया, फिर एम्बुलेंस उसको। यही बता सकते हैं कि कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग थे जो कहीं जा रहे थे दर्शन के लिए, जैसा बताया गया है, तो वहाँ पर दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। शेष लोगों का यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है, उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनको सेफली बचाया जा सके और उनका समुचित इलाज हो सके, और बाकी हम लोग स्पोर्ट्स के लिए देख कर भी बता पाएंगे कि क्या है।